नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, बादल और हाफिजुल हसन ने भी श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर में जगन्नाथ महतो को सांसद विजय हांसदा, महुआ मांझी, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी श्रद्धांजलि दी, जबकि पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी, सरयू राय, मथुरा प्रसाद महतो ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंत्री जगन्नाथ का अंतिम दर्शन करने के लिए पक्ष विपक्ष के कई विधायक मौजूद थे। इसमें सरफराज अहमद, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, दीपिका पांडे, सविता महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की और मनीष जायसवाल शामिल थे। इसके अलावा विधानसभा के कई पदाधिकारी और कर्मचारियों ने भी उन्हें विदाई दी। दिवंगत जगन्नाथ महतो को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, सीएम के पूर्व प्रधान सचिव वंदना दादेल समेत कई लोगों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। इससे पहले आज सवेरे चेन्नई से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया गया। यहां तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कंधा दिया और दिवंगत जगन्नाथ महतो को पार्थिव शरीर के लेकर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विधानसभा परिसर लाया गया, जहां सभी ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उसको नमन किया। झारखंड विधानसभा के अंतिम दर्शन के बाद दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव भंडारीदह बोकारो के लिए विदा किया गया, जहाँ आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी।